रोहित मोबाइल मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में, लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले के खुरई में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। घटना के बाद एसपी ने खुरई शहरी थाना प्रभारी अनूप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही अब इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी होगी। बता दें कि 17 जनवरी को खुरई में लगे सेल्फी पॉइंट पर तोड़फोड़ की गई थी। इसमें नगर पालिका की तरफ से हुई शिकायत में 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई थी। इसमें कांग्रेस का आरोप था कि 8 झूठे लोगों को फंसाया गया है और इसको लेकर वह ज्ञापन देने SDM कार्यालय जा रहे थे। वहीं BJP के कार्यकर्ताओं का कहना था कि नामजद FIR के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वह भी SDM कार्यालय जा रहे थे। इसी दौरान भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। सूचना मिलते ही मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। आज जो यहाँ पे खुरई में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है तो उस पर से एक मिश्रित जांच के आदेश दिए गए हैं। संपूर्ण पूरे घटनाक्रम की जो पूरी परिस्थितियाँ हैं, क्या किस तरह से हुआ, क्या वजह रही, तो उसके पैसे मिश्रित जांच की जाएगी। और इसके साथ साथ में जो TI खुरई हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और बाकी इसमें जो जो घटनाक्रम हुआ है, जो बलवा वगैरह हुआ है, उस पर से FIR पुलिस के द्वारा की गई है और पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। खुरई में फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अभी वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में, अभी कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभी पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल में है, स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है और आगे किसी प्रकार का ऐसा घटनाक्रम हम लोग नहीं होने देंगे। इसमें पुलिस के द्वारा नज़र रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। केवल दो चीजें इसमें ऐसे आ रही हैं, पहली बात के लिए मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है, तो ये संपूर्ण घटना क्रम को जांच में सारे बिंदु तथ्यों के हिसाब से देखे जाएंगे और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। FIR कर दी गई है और इसमें विवेचना की जा रही है और इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। खुरई से मनोज बाधवानी, सागर TV न्यूज। रोहित मोबाइल मोबाइल एवं LED TV थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में, लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बजाज एवं HDV से फाइनेंस सुविधा। सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। मोबाइल टच, मोबाइल गार्ड, एयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, मोबाइल संबंधित सभी जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9009205959 8818815881। भाजपा नेत्री एवं समाज सेवी लवप्रीत कौर मणिगुरुन की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य सतनाम नर्सिंग होम मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य राहुल साहू, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक TB एवं चेस्ट विभाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मध्य प्रदेश पुलिस, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य समाधान डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन, पद्माकर स्कूल, नमक मंडी, सागर, मध्य प्रदेश।
सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य ज्योतिष सोनी, वार्ड क्रमांक 40, चकरा घाट वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य अभय दरे, पूर्व महापौर, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य अर्पित पांडे, भाजपा पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य दिव्य प्रकाश त्रिपाठी, बहेरिया थाना प्रभारी, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य अनिल श्रीवास्तव पीपरा, युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति, सागर, मध्य प्रदेश। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य रेशु चौधरी, जिला कार्य समिति सदस्य, भाजपा, सागर, मध्य प्रदेश। गणतंत्र दिवस की सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य नगर पालिका परिषद मकरोनिया, जिला सागर, मध्य प्रदेश।